अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम रिएक्शन देंगे, एक ब्रेकिंग न्यूज है और ये है इंडिया बिग डिसीजन अगेंस्ट सऊदीया एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज। और इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। सो बिना देरी के चलते सो वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, जो खबर हम आज आपको देने वाले हैं, यही खबर आपको आने वाले समय में देर या सवेर से अलग अलग न्यूज चैनलों पर मिलने वाली है। लेकिन जब भी आप ये न्यूज देखेंगे तो इंडी प्लस न्यूज को जरूर याद रखिएगा कि इंडी प्लस न्यूज ने सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक की थी। सऊदी अरब और ओपेक के देशों ने बहुत बड़ी गलती कर दी भारत को मुंह पर जवाब देकर कि आप अपने पिछले साल के तेल से अपना देश चला लीजिए। आज आप ये हैरान रहेंगे जानकर कि भारत 85% तेल की जरूरत जो है दुनिया के अलग अलग देशों से तेल खरीदकर पूरी करता है। लेकिन आप और भी ज़्यादा हैरान तब होंगे जब आपको ये पता लगेगा कि 60% जो हमारी तेल की जरूरत है वो इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से आयात की जाती है। यानी कि 60% भारत जितना भी तेल कंज्यूम करता है एक साल के अंदर, उसका 60% निकाला जाए तो यही सऊदी अरब और इसी के साथ इराक, कतर जैसे देशों से आयात किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर हद तो तब हो जाती है जब यही शेखों की जो कंट्रीज हैं, अरब देशों की जो कंट्रीज हैं, वो भारत का जब सपोर्ट लेने की बारी होती है तब तो भारत भारत कहकर भारत का सपोर्ट ले लेते हैं। जब भारत इनसे कहता है कि हमारे मामले में भी आप सपोर्ट कीजिए तो ये सीधा मुंह पर जवाब दे देते हैं और बेइज्जती कर देते हैं। आपने देखा होगा कि भारत ने कोविड के काल में भी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके साथ जो तेल का करार हुआ है, उस तेल के करार के चलते हमने जो डील हुई है उसी डील के चलते उनसे तेल आयात किया है। भले ही कोविड-19 के कारण तेल की कीमतें गर्त पर चली गई हों और कोविड-19 के लॉकडाउन लगे होने के बावजूद भी हम तेल का जो खर्चा है नहीं कर पा रहे थे, तेल की बिक्री नहीं हो रही थी, फिर भी हमने मिडिल ईस्ट के देशों से उसी रफ्तार से तेल की जो खरीदारी थी की थी और हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व को भरा था। लेकिन उस समय यह सिचुएशन बनी कि उन देशों, मिडिल ईस्ट के देशों की जो इकोनॉमी है आज तेल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है। भारत ने उस समय तेल खरीदकर इन देशों के ऊपर एहसान किया था क्योंकि हमारे एहसान के चलते इनकी इकोनॉमी को सहारा लगा था। लेकिन आज अगर तेल की डिमांड बढ़ गई है तो यही मिडिल ईस्ट के देश प्रोडक्शन कट करके बैठे हैं और प्रोडक्शन कट करके बैठे हैं तो भारत की जेब से ज़्यादा डॉलर निकल रही हैं। और यही कारण है कि भारत ने कहा है कि आज सीधा कहा है कि जब हम आपका सहयोग देते हैं तब भी हमारे जेब पर खर्चा होता है और अब जब आपको हमारा सहयोग करना चाहिए तब आप हमारी पेट पर और जेब पर लात मार रहे हो। और दोस्तों, यहां पर आपकी जानकारी के लिए बताएं कि भारत ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कहा है कि अपनी जितने भी ऑयल की फर्म हैं, रिफाइनरी हैं, उनको कहा है गवर्नमेंट ने कि आप सीधा जो क्रूड का इंपोर्ट है मिडिल ईस्ट के देशों से हटाकर दुनिया के किसी और देशों से इंपोर्ट करना शुरू कर दीजिए क्योंकि हमें अब जरूरत नहीं है मिडिल ईस्ट के देशों की। मिडिल ईस्ट से हम तेल इसलिए आयात करते हैं क्योंकि एक तो हमारा मिडिल ईस्ट बहुत नजदीक है भारत के अकॉर्डिंग और उसके अनुसार तेल भी सस्ता है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि तेल भी जल्दी मिल जाता है अगर हम रशिया से या फिर अमेरिका या फिर किसी और अफ्रीकाई कंट्री से मंगवाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कारणों के चलते हम मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट है। लेकिन जब यही मिडिल ईस्ट भारत की जरूरतों और भारत के विश्वास के ऊपर इस तरीके से धोखा देगा तो भारत को भी कोई और ऑप्शन देखना ही होगा। यही कारण है कि गवर्नमेंट ने अपनी ऑयल रिफाइनरी को सीधा कह दिया है कि ओपेक कंट्रीज हमारी बात मान रही नहीं रही हैं और हम अब ओपेक कंट्रीज का गुलाम नहीं बने रहना चाहेंगे और हमारा देश आज महंगे दामों में जो पेट्रोल ले रहा है उस महंगे दामों में हम अपनी जनता को महंगाई की आड़ में नहीं झोंक सकते। यही कारण है कि अब अफ्रीकाई मूल के गैना जैसे देश के ऊपर भी हम डिपेंडेंट रहने वाले हैं और रशिया और इसी के साथ अमेरिका से भी तेल की खरीदारी शुरू होने वाली है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान से भी
ईरान से भी हम इसी साल के एंड तक तेल का आयात शुरू करने वाले हैं, जो सऊदी अरब के साथ साथ मिडल ईस्टर्न की कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा झटका है कि अब भारत उनको वैसा सपोर्ट नहीं करेगा जैसा सपोर्ट वो भारत से चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए भारत उनसे तेल खरीद ले। 60% कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत 130 करोड़ देशवासियों का देश है और 130 करोड़ की आबादी का 60% जो तेल की जरूरत है वो आज इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से पूरी होती है। आप समझ गए होंगे पूरी की पूरी इमेज क्या है। कुछ भी हो जाए, भारत ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि जब जरूरत होती है या फिर अगर आप जैसे जरूरत के हिसाब से देख लें, उनकी आर्मी को ट्रेनिंग के लिए अभी हमने न्यूज सुनी थी कुछ टाइम पहले, तो वो भी बहुत अच्छी खबर थी कि सऊदीया की जो आर्मी है उनको ये लोग ट्रेन करेंगे, इंडियन आर्मी। तो और उसके अलावा इस भारत ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरी कंट्रीज के लिए की हैं जिनमें अरब कंट्रीज आती हैं, और जबकि यही कंट्रीज जो हैं वो उल्टा जब ज़रूरत पड़ने पर, अब ज़रूरत पड़ रही है तो ये लोग इनको मना कर रहे हैं। तो यार ये तो एक वो बात हो गई, अपना मतलब निकल गया। अब जब भारत का टाइम आया तो फिर उनको आंखें दिखाना शुरू हो गई ये लोग, तो ये एक गलत चीज़ है। मुझे लगता है कि इनको ऐसा करना नहीं चाहिए, और अपनी मतलब मैंने वैसे भी सुना है कि ये लोग किसी के भी नहीं होते, और स्पेशली जब इनको अर्निंग होती है, तो आप देखें ना इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी तो यही किया था, जब पाकिस्तान के साथ इनका सही चल रहा था, और अब जो है अब पाकिस्तान से जो है ये लोग अब मतलब कट रहे हैं और दूसरी कंट्रीज के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इस चीज़ को तो आप एक्सेप्ट कर लो। इवन तो अगर हमारी कंट्रीज से या इंडिया से या पाकिस्तान से कोई भी चला जाता है तो उन लोगों के साथ उनको, या फिर कोई भी किसी भी कंट्री से चला जाता है तो उनको उस तरह से ट्रीट बिल्कुल भी नहीं किया जाता, और मौका मिले तो मतलब उनको साइड पर भी खड़ा कर दिया जाए। तो ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। एंड मैं यही कहूंगी कि भारत ने एक अच्छा फैसला कर लिया है कि वो अब इन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, दूसरी कंट्रीज जो हैं उनके साथ जाके वो अपना जो काम चलाएंगे, और जो भारत की आवाम है उनको इतनी महंगाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में तो अभी 500 रुपये किलो चिकन हो गया है, जो कि 100, 150, 250 रुपये, 200 रुपये मैक्सिमम किलो हुआ करता था। अभी रिसेंटली था वो 300 रुपये किलो था, 300 से 350, 400 किलो हो गया था, अब इतना महंगा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई होती जा रही है, और उसका रीजन भी बस यही है, ये जो ऑयल वगैरह इतना एक्सपेंसिव हो चुका है। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए इनको सबक सिखाना होगा, जब इनको इनसे कोई खरीदेगा नहीं तो इनको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये जो आप ऑयल महंगा कर रहे हो तो उससे आप लोगों को भी फिर कल को जो है आप अपने पास ही संभाल के रखो, जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो फिर आप लोगों की इकोनॉमी भी ग्रो नहीं करेगी। तो यही एक अच्छा तरीका है, और गवर्नमेंट ने बिल्कुल अच्छा स्टेप लिया है, अप्रिशिएट करती हूँ मैं उनको। और बिल्कुल इस तरह से इनको जब इनके लेवल पर रखोगे तो ये लोग खुद ही अपने लेवल पर आएंगे, और फिर इनको आइडिया होगा कि हम जितना आसमानों में उड़ रहे हैं तो उतना हमें ज़मीन पर भी हम गिर सकते हैं। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Bye-bye.